हाय एंड वेलकम टू दी डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का बेसिक स्ट्रक्चर जाना कि एक्चुअली वो किस तरह से वर्क करते हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर क्या है, किस तरह से हम अपने लेयर्स को डिसाइड करते हैं, साइनेप्सिस से क्या मुराद है, वेटेड सम की वैल्यू, और फिर हमने लास्टली बात की थी कि हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद डिसाइड करवाते हैं अपने ट्रेनिंग स्टेज पर कि गिवन इनपुट के बेस पर हमारा क्या आउटपुट आने वाला है। तो इस सेशन के अंदर हम एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली एक्टिवेशन फंक्शन क्या है और उसकी क्या स्ट्रेंथ है न्यूरल नेटवर्क में। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। तो एक्टिवेशन फंक्शन आर एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विच आई हैव ऑलरेडी सेड। दे बेसिकली डिसाइड वेदर अ न्यूरॉन शुड बी एक्टिवेटेड और नॉट, वेदर द इंफॉर्मेशन दैट द न्यूरॉन इज रिसीविंग इज रेलिवेंट फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन और शुड इट बी इग्नोर्ड। यानी जिस न्यूरॉन्स पर यानी हिडन लेयर या आउट लेयर पर आप एक्टिवेशन फंक्शन अकॉर्डिंग टू द वेटेड सम वैल्यू अप्लाई करने वाले हैं, इस एक्टिवेशन फंक्शन के बेस पर हमें यह पता चलता है कि इसकी वैल्यू या इस एक्टिवेशन के रिजल्ट पर इस न्यूरॉन का फर्दर आगे सर्वाइव करना पॉसिबल है या फिर नहीं, और साथ ही साथ ये किसी दूसरे आने वाले लेयर का इनपुट बन सकता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये फार्मूला बताया जा रहा है कि जो हमारे पास वेटेड सम है उनका फार्मूला यहाँ पर डायरेक्टली आसान लफ्जों में लिखा हुआ है कि जो वेटेड वैल्यू है वो, और साथ ही साथ जो आपकी इनपुट वैल्यू है जिसको हम डब्ल्यू एक्स से जाहिर करते हैं, वेयर डब्ल्यू इज अ वेट एंड एक्स इज द इनपुट वैल्यू। बायस के कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर इग्नोर करते हैं क्योंकि जब हम बायस के हवाले से बात करेंगे तो फिर बैक प्रोपेगेशन का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो अपकमिंग सेशन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। सारी चीज़ों को हम यके बाद दीगर एक एक इंडिविजुअली सेशन पर डिस्कस करेंगे। तो द एक्टिवेशन फंक्शन इज अ नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी डू ओवर द इनपुट सिग्नल, दे ट्रांसफॉर्म आउटपुट इन दैट इन दैन सीन टू द नेक्स्ट लेयर ऑफ द न्यूरॉन एज अ इनपुट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म है जिसके जरिए से आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि वो दूसरे लेयर का क्या बन सके, इनपुट बन सके। जिस तरह से एक नॉर्मल फंक्शन दो टाइप के होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एक्टिवेशन फंक्शन भी एक फंक्शन है। यही वजह है कि ये दो फर्दर टाइप्स में डिवाइड होते हैं, यानी लीनियर एंड नॉन लीनियर। एज अ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल, लीनियर फंक्शन हम उस फंक्शंस को कहते हैं जहां पर हमारा फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा होता है, जबकि नॉन लीनियर फंक्शन वो है जो आपको कर्व की फॉर्म पर एक साइन या फिर एक इक्वेजन कर्व की फॉर्म पर रिप्रेजेंट करके दिखा रही होती है, वो नॉन लीनियर फंक्शन है। यही वजह है कि एक्टिवेशन फंक्शन जो कि न्यूरल नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं, इसमें मेजॉरिटी जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं एक्टिवेशन फंक्शन के, वो नॉन लीनियर फंक्शन पर ही बेस करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन न्यूरल नेटवर्क के अंदर डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन इस सेशन के अंदर हम वो छह बेसिक और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले एक्टिवेशन फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, थ्रेशोल्ड हमारा पहला एक्टिवेशन फंक्शन है, इसको समझते हैं और उसके बाद ऑनवर्ड आगे चलेंगे। थ्रेशोल्ड फंक्शन इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिवेशन फंक्शन है। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक न्यूरॉन्स है, उसके कोई एक वेटेड सम है और ये वेटेड सम आके फर्दर आगे किसी इनपुट का पार्ट बनने वाला है। तो इक्वेजन थ्रेशोल्ड फंक्शन हमारा कहता है कि अगर वेटेड सम की वैल्यू एक्स की, जो वेटेड सम है हमारा, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये डिसाइड करेगा इसे वन में, और अगर इसकी वैल्यू जीरो से लेस देन है तो ये इसे जीरो में डिसाइड करेगा। जैसे कि हम शुरू से बात कर रहे हैं कि अभी जो मैं एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ उसमें जो हमारी प्रॉब्लम थी प्रीवियस सेशन तक, वो जीरो या वन की थी। ठीक है, ऑल दो जब आगे जाएंगे तो हम इसी सेशन पे मल्टीपल क्लासिफिकेशन के भी प्रॉब्लम को देखेंगे। तो थ्रेशोल्ड हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करेगा, या फिर जीरो या फिर वन में उसे डिसाइड कर देगा, विच मीन सर्वाइव या फिर नॉट सर्वाइव फर्दर। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास थ्रेशोल्ड फंक्शन था जिसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमें समझ में आ रही है, जीरो विच मीन दिस वन एंड दिस वन इज रिप्रेजेंट फॉर द वन इफ एक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। उसके बाद बारी आती है सिग्मॉइड की। सिग्मॉइड फंक्शन अगर आप ग्राफिकली देखें तो एक एस शेप को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है सिग्मॉइड फंक्शन, दिस फंक्शन रिड्यूस एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर, जो आपके डेटा सेट में एक्सट्रीम वैल्यू है यानी आउटलायर है, उन डेटा को रिमूव, इन डेटा को क्या कर रहा है, विदाउट रिमूविंग दैम उसे रिड्यूस कर रहा है। ठीक है ना, एक्सट्रीम वैल्यू को इट कन्वर्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ नियर इनफाइनाइट रेंज इनटू सिंपल प्रोबेबिलिटीज बिटवीन जीरो एंड वन। क्योंकि सिग्मॉइड एक प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉब्लम के लिए है, और यही वजह है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे, अगर आप मशीन लर्निंग के कोर्स में हमारे साथ थे,
तो वहाँ पर मैंने इसको ब्रीफली बताया है कि एक्चुअली सिग्मॉइड फंक्शन किस तरह से काम करता है और किस तरह से ये अपने प्रॉब्लम को प्रॉबेबिलिटीज़ के बेस पर कन्वर्ट करके अपने प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहा होता है या फिर सॉल्व कर रहा होता है। अगर मैं शॉर्टली उसी प्रॉब्लम को डिस्कस करूँ जो कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने अपने प्रॉब्लम को 0.5 थ्रेशोल्ड पे कन्वर्ट कर दिया था और हमने ये बताया हुआ था कि अगर कोई भी एक्स की वैल्यू 0.5 से कम आती है तो आप उसे जीरो कंसीडर करोगे, और उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर आती है 0.5 से तो आप वहां पर अपनी वैल्यू को 1 के फॉर्म पर इन टर्म ऑफ आउटपुट कंसीडर करोगे। यही वजह है कि यहां पर जो बात हम कर रहे थे रिड्यूस एक्सट्रीम वैल्यू और आउटलायर, वो यहां पर हमने प्रैक्टिकली भी इस चीज को देखा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि हम उसे किस तरह से हैंडल कर रहे होते हैं। इक्वेजन को बगौर देखें तो सिग्मॉइड की इक्वेजन है 1 डिवाइड बाय प्लस 1 एंड प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, वेयर एक्स इज द वेटेड सम ऑफ योर न्यूरॉन्स। आगे चलते हैं रेक्टिफायर विच मीन रेलो फंक्शन। ये काफी फेमस और किंग टाइप ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन है जो नॉर्मली न्यूरॉन्स के बेस पर यानी न्यूरल नेटवर्क पर हम हिडन लेयर पर अप्लाई करते हैं। अगर आप और अपने इस रिप्रेजेंटेशन को देखें तो यहाँ पर जो हमारी स्टेट लाइन है जो ग्राफिकली शो हो रही है वो ये बता रही है कि अगर हमारी वैल्यू जीरो है तो ये जीरो ही इसे शो करेगा, लेकिन जैसे ही जीरो से ऑनवर्ड वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी हमारा रिप्रेजेंटेशन भी ग्राफिकली इस चीज़ को शो करेगा कि ये प्रोग्रेस करता हुआ है। यानी जिस तरह से जीरो से वैल्यू ऑनवर्ड आगे बढ़ रही है उसी तरह से हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उस प्रोग्रेस फॉर्म पर उसे शो कर रहा है। यही चीज़ पैराग्राफ पे भी बताई जा रही है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट द रिलो फंक्शन इज नॉन लीनियर विच मीन वी कैन ईजली बैक प्रोपेकेट द एरर एंड हैव मल्टीपल लेयर ऑफ द न्यूरॉन्स बीइंग एक्टिवेटेड बाय द रिलो फंक्शन। मीन्स कि ईजली बैक प्रोपेगेट कर सकते हैं। बैक प्रोपेगेशन के हवाले से मैंने फर्स्ट स्लाइड पर डिस्कस किया जहां पर 22 का कॉन्सेप्ट था कि हम आगे जाएंगे तो इस चीज़ पर सेपरेट सेशन करेंगे। आसान लफ्ज़ों में सिर्फ मैं ये बता देता हूं कि 22 या बैक प्रोगेशन से मुराद ये कि जब हमारे पास फाइनल आउटपुट आ रहा होता है तो हम वहां पर चेक करते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास आउटपुट क्या होना चाहिए था और क्या आ रहा है, उस बेस पर हम अपने मॉडल को रीट्रेन कर रहे होते हैं। यानी जो हमारे पास वेटेड सम की वैल्यूज़ हैं उसे हम अपग्रेड या फिर अपडेट करते हैं बाय यूजिंग बैक प्रोपेगेशन या 22 कॉन्सेप्ट। तो उसके हवाले से आगे जाकर हम जिक्र करेंगे। तो ये जो रेक्टिफायर फंक्शन है इन चीज़ों को बड़े आसानी के साथ हैंडल कर रहा होता है। यही वजह है कि हिडन लेयर के अंदर हम ज़्यादातर न्यूरल नेटवर्क के अंदर रिलो एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके हवाले से हमने ग्राफिकली भी यहाँ पर देखा कि किस तरह से इसकी वैल्यू प्रोग्रेस करते हुए शो हो रही है इफ़ द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन जीरो। जिस तरह से रेक्टिफायर फंक्शन पे आप देख रहे हैं कि जब वैल्यू हमारी जीरो है तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स की स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। जाहिर सी बात है जब वो जीरो होगा तो ऑनवर्ड आगे सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन जीरो से ज़्यादा है तो उसकी प्रोग्रेस उसी फॉर्म पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए रेक्टिफायर रिलो फंक्शन का एक और पार्ट क्रिएट किया जाता है जिसको हम रीकी रिलो फंक्शन कहते हैं। तो इट इज़ नथिंग बट अ इम्प्रूव वर्जन ऑफ द रिलो फंक्शन। एज वी सॉ दैट फॉर द रिलो फंक्शन द ग्रेडियंट इज जीरो। जो हमारे रिलो फंक्शन का ग्रेडियंट है वो जीरो है, विच मीन एक्स इज अगर लेस देन जीरो है तो उसका ग्रेडियंट जीरो है क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ही रहेगा जैसे प्रीवियस इमेज पे भी देखी। विच मेड द न्यूरॉन्स डाय फॉर द एक्टिवेशन इन दैट रीजन। उस रीजन में हमारा न्यूरॉन्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो रिलो इज डिफाइंड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम इंस्टीड ऑफ डिफाइनिंग द रिलो फंक्शन एज जीरो। बजाय इसके कि हम अपनी रिलो फंक्शन को जीरो पर डिफाइन करें फॉर एक्स लेस देन जीरो, वी डिफाइन इट एज अ स्मॉल लीनियर कंपोनेंट ऑफ एक्स। हम क्या करते हैं उसको जीरो के बजाय उसको मजीद स्मॉल कंपोनेंट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं लीनियरली। कैसे? ग्राफिकल ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट बता रही है कि जिस तरह से पॉजिटिव वे पे ये वैल्यू प्रोग्रेस कर रही थी तो ऑलरेडी थी, लेकिन अगर वैल्यू जीरो थी रिलो पे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे रहती थी, विच मीन नॉट फर्दर सर्वाइव। लेकिन इसने ये कहा रेकी रिलो ने कि अगर इसकी वैल्यू भी फर्दर माइनस पे जा रही है यानी डाउनवर्ड, तो उस चीज़ को भी आप प्रोग्रेस करके दिखाओ कि एक्चुअली ये कितनी वैल्यू प्रोग्रेस करती है, सो ऑन। सो व्हाट वी हैव डन हियर इज दैट वी हैव सिंपली रिप्लेस द हॉरिजेंटल लाइन विथ अ नॉन जीरो नॉन हॉरिजेंटल लाइन। हेयर इज अ स्मॉल वैल्यू लाइक 0.01 एंड सो ऑन। तो जिस तरह से वो नेगेटिव वैल्यू या वट एवर जितनी भी नेगेटिव वे पे वो वैल्यू प्रोग्रेस करती है वो उसी तरह से सो ऑन नीचे की तरफ जाती रहेगी। यानी अगर जीरो से लेस देन है तो डायरेक्ट माइनस में तो नहीं, लेकिन सो ऑन 0.01 001 0001 एंड सो ऑन, ये इस तरह से प्रोग्रेस करते हुए हमें दिखेगी। बारी आती है हाइपरबोलिक टेंजेंट की। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ड्राइव हुआ है, और अगर आप इसका मीनिंगफुल फॉर्मूला देखें तो साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स।
Unlike the sigmoid function, the normalized range of tangent h, which means hyperbolic tangent, is minus 1 to 1. तो ये बिल्कुल एक उस एक्टिवेशन फंक्शन की तरह है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम सिग्मॉइड कह रहे थे, और वहां पर हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो 0, 1 और उसके बाद जो हमने रफली यहां पर करके देखा था 0.5, यानी इसकी जो रेंज थी वो 0 और 1 के दरमियान थी. इसी चीज को थोड़ा सा एडवांस फॉर्म पर अगर आप देखें कि अगर हमारे पास वही कर्व -1 को भी हैंडल करे और +1 को भी हैंडल करे और उसके मिड पॉइंट पे 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम को हम हाइपरबॉलिक टेंजेंट के फॉर्म पर अपने हिडन या फिर आउटपुट लेयर पर यूज कर सकते हैं. देन इस जितने भी प्रॉब्लम या जितने भी एक्टिवेशन फंक्शन हमने प्रीवियसली जितने स्लाइड पे देखे हैं, वो तमाम वो एक्टिवेशन फंक्शन थे जो नॉर्मली बाइनरी क्लासिफिकेशन पर इस्तेमाल होते हैं, यानी या तो 0 या फिर 1 पर. बात या सवाल यहां पर ये आती है कि क्या अगर ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसमें जो क्लासिफिकेशन के रिजल्ट हैं वो 2 से ज्यादा हैं, विच मीन 1, 2, 3 है, 1, 2, 3, 4 है, तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे? तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन कम टू प्ले देयर रोल. और सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या करता है, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट उस तरह से वर्क करने की कोशिश करता है या उसी तरह से काम कर रहा होता है जिस तरह से सिग्मॉइड कर रहा था, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटीज के बेस पर फंक्शन कर रहा था. तो स्लाइड पे देखते हैं कि सॉफ्टमैक्स फंक्शन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इवेंट ओवर एन डिफरेंट इवेंट, जितने भी हमारे इवेंट है उतने दफा वो डिस्ट्रीब्यूशन को परफॉर्म करेगा. इन जनरल वे ऑफ सेइंग द फंक्शन विद कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच टारगेट क्लास ओवर ऑल पॉसिबल टारगेट क्लासेस, जितने भी टारगेट क्लासेस हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर उनके बेस पर वो प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करेगा. लेटर दैट द कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज विल बी हेल्पफुल फॉर डिटरमाइनिंग द टारगेट क्लास फॉर द गिवन इनपुट, उनके बेस पर वो जो फर्दर आगे क्लासिफिकेशन होगी या इंटर्म ऑफ प्रोडक्शन होगी तो वहां पर उसको काफी हेल्प मिलेगी. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सॉफ्टमैक्स इज द आउटपुट प्रोबेबिलिटीज रेंज. वो रेंज बताएगा कि फॉर एग्जांपल अगर इस इनपुट की बिहाफ पर इस डेटा का ताल्लुक क्लास 0 से इतने परसेंट हो सकता है, 1 से इतने परसेंट हो सकता है, 2 से इतने परसेंट हो सकता है और 3 से इतने परसेंट हो सकता है. द रेंज विल 0 टू 1 एंड द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स रूल. इफ द सॉफ्टमैक्स फंक्शन यूज फॉर द मल्टी क्लासिफिकेशन मॉडल, इट रिटर्न द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच क्लास, जो कि मैंने जिक्र किया 0, 1, 2, 3, एंड द टारगेट क्लास विल हैव द हाई प्रोबेबिलिटी. जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी तो हमारा मॉडल ये प्रेडिक्ट करेगा कि ये जो गिवन डेटा सेट आपने इस पर अप्लाई किया है इसका ताल्लुक क्लास 3, 2, 1 या फिर 0 से है. सो द फॉर्मूला कंप्यूट द एक्सपोनेंट ई पावर ऑफ द गिवन इनपुट वैल्यू एंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द इनपुट, देन द रेशियो ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द इनपुट वैल्यू एंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल वैल्यूज इन द आउटपुट ऑफ द सॉफ्टमैक्स फंक्शन विल बी दिस. तो जो फंक्शंस हमने यहाँ पर अभी इन टर्म ऑफ द स्टेटमेंट रिटन किया हुआ है वही स्टेटमेंट यहाँ पर शो हो रही है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल एक्स इज शो दैट द सॉफ्टमैक्स फंक्शन. एंड ऑल्सो दिस ग्राफ शोज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल क्लास प्रोबेबिलिटीज. तो इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे और किसी प्रॉब्लम पर सॉफ्टमैक्स को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर और भी बेहतर तरीके से हमें ये बात समझ में आना शुरू हो जाएगी कि बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमने रिलो, सिग्मॉइड, टेंजेंट, ठीक है, और रेक्टिफायर इस तरह के एक्टिवेशन फंक्शन देखे हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, और साथ ही साथ हमें सॉफ्टमैक्स के हवाले से भी पता चलेगा कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मूला किस तरह से प्रोबेबिलिटीज के बेस पर हमें आउटपुट प्रेडिक्ट करके दे रहा होता है. जैसे जैसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो सारी चीज़ें हमें यके बाद दीगर समझ में आएगी. सो लेट्स सी द एग्जांपल. इस एग्जाम्पल के अंदर हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, और जैसे हमने अपने सेकंड सेशन पर डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक ऐसा डेटा सेट है जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स एक बैंक के कस्टमर पर डिपेंड करते हैं, यानी बैंक के कस्टमर के कुछ डिफरेंट पैरामीटर हैं, उनके बिहाफ पर हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर ये जो हमारा कस्टमर है वो फर्दर हमारे बैंक पे सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा. तो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दी गई हैं, या सबसे पहले हमें उन एक्टिवेशन को रिप्रेजेंट करना है कि एक्चुअली अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के बेस पर हमारा आउटपुट है, विच मीन 0 नॉट सर्वाइव, 1 इज सर्वाइव, ठीक है. तो ऐसे के लिए जो हमारे पास हिडन होगा हिडन लेयर, तो हिडन लेयर के अंदर हम दो तरह के एक्टिवेशन फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही बाइनरी के लिए, लेकिन मैंने पहले जिक्र किया कि नॉर्मली जो हमारे पास हिडन लेयर होता है उसके अंदर हम थ्रेशोल्ड फंक्शन या फिर रिलो का इस्तेमाल करते हैं,
जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है कि थ्रेशोल्ड फंक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसको सेपरेट कर देगा। और इसी तरह आप चाहें तो हिडन लेयर के अंदर भी आप सिग्मॉइड इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये भी बाइनरी पर ही बेस कर रहा है। तो इस तरह से आप एक प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेशन फंक्शन। लेकिन ज़्यादातर हम अपकमिंग सेशन के अंदर ये देखेंगे कि जो हमारे पास हिडन लेयर होता है यहाँ पर हम रिलो यानी रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे पास आउटपुट लेयर होते हैं इसमें नॉर्मली हम सिग्मॉइड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ऑल दो जिस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे अपकमिंग डेज पे, वहाँ पर जाकर हमें वो बात समझ में आने लगेगी कि एक्चुअली किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं और वहाँ पर किस तरह के एक्टिवेशन फंक्शन की ज़रूरत है। लेकिन इस इमेज पर जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन है। ऑल दो आप इस चीज़ को भी अप्लाई करना चाहें तो अपने उस प्रॉब्लम पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको जो आपके आउटपुट है उसमें कुछ वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे वो सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी। फाइनली मैं चाहूँगा कि अगर हमारे पास आउटपुट फॉर्म 0, 1, 2 और 3 के फॉर्म पर है और वो प्रॉब्लम हमारी बैंक की नहीं बल्कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें क्लासिफिकेशन मल्टी क्लासेस पर बेस करते हैं, तो वहाँ पर हमें किस एक्टिवेशन फंक्शन की ज़रूरत होगी? सॉफ्ट मैक्स की। और सॉफ्ट मैक्स अपनी प्रॉबिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाव पर हमें प्रेडिक्ट करके बताएगा कि जो गिवन डेटा है आफ्टर ट्रेनिंग उसके कितने चांसेस हैं कि इसका ताल्लुक 0 से होगा, 1 के से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग सम ऑफ द ऑल द प्रॉबिबिलिटीज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने इस सेशन के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस किया कि एक्चुअली एक्टिवेशन फंक्शन क्या चीज़ है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है न्यूरल नेटवर्क के अंदर, वो कितने तरह के हैं जो इंपॉर्टेंट थे, और हमने उन तमाम को इंडिविजुअली विथ रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन, ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू द रिप्रेजेंटेशन विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा, और साथ ही साथ उसकी वर्किंग भी जानी कि वो किस तरह से वैल्यू को या न्यूरॉन्स की स्ट्रेंथ को डिफाइन करके आगे ऑनवर्ड मूव करता है जब उसकी इंपॉर्टेंस होती है, और अगर नहीं होती है तो वो उसको वहीं पर क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है या फिर उसको डाई कर देता है। तो नेक्स्ट सेशन पर हम जाएंगे तो फिर फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस सेशन पर इतना ही। थैंक यू।